बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या होता है ये अक्सर लोगों को नहीं पता है। हमारे ब्रह्मांड के शुरुआती दिन में क्या हुआ था, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर बिग बैंग थ्योरी देता है। यह ब्रह्मांड के निर्माण का स्वरूप है जिसका कल्पना साल 1927 में जॉर्जस लेमांत्रे नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। यह एक थ्योरी है जिसके आधार पर यह स्पष्टीकरण दिया जाता है कि ब्रह्मांड के निर्माण के समय किसी प्रकार का हलचल नहीं था। इस सिद्धांत के आधार पर ऐसा माना गया है कि हमारा ब्रह्मांड एक बिंदु के आकार में बनना चालू हुआ और अगले 24 बिलियन साल तक फैलते गया, जिससे हम आज इतने बड़े स्वरूप में समझने की कोशिश करते हैं। आज के समय में हमारे पास ऐसे उपकरण नहीं हैं जिससे ब्रह्मांड की सही उम्र का पता चल सके। बिग बैंग थ्योरी के बारे में जितना भी फैक्ट है वे मैथ के फॉर्मूले और मॉडल के कारण सामने आए हैं। ज़्यादातर वैज्ञानिक इस थ्योरी को मानने लगे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इसकी अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन को भी मानते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, परिक्रमा करता हुआ ब्रह्मांड। नासा के अनुसार जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो उसके एक सेकंड बाद वहां का तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस था। जब ये फैलने लगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल थे। इस प्रक्रिया के बाद जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होते गया सारे पार्टिकल एक साथ जुड़ गए। नासा ऐसा मानती है कि आगे की प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन के खुले हुए बहाव के कारण चारों रोशनी फैलने लग गई होगी। समय रहते हुए फिर सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लाइज के साथ मिलकर न्यूट्रॉन एटम बन गए। इस कारण बिग बैंग प्रतिक्रिया होने के 380,000 साल बाद प्रकाश का दोबारा चमक पाना संभव हो सका। प्रकाश के संबंधित इस प्रक्रिया को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड नाम दिया गया। इसकी खोज साल 1948 में राफल अल्फर एवं अन्य वैज्ञानिक ने किया था और इसे पूरे तरह सिद्ध होने में लगभग 20 साल लगे थे। ज़्यादातर वैज्ञानिक इस बात पर मुहर लगाते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक प्रतिक्रिया के कारण बनना चालू हुआ, जिसे बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया गया। एक नियम है जो ये कहती है कि आकाशगंगा अपनी दूरी के रेशियो से हमारे ब्रह्मांड से दूर जाती हुई प्रतीत हो रही है, जिसे हम्बल का नियम भी कहा जाता है। इस नियम की खोज एडविन हम्बल नामक वैज्ञानिक ने साल 1929 में की थी। इस खोज से इस बात का सबूत मिलता है कि हमारा ब्रह्मांड कभी भी घना या ठोस अवस्था में था और अब ये फैल रहा है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि अपने उत्पत्ति के दिनों में ब्रह्मांड बहुत गर्म हुआ करता था, तो इस बात को सिद्ध भी किया गया। साल 1965 में रेडियो खगोल वैज्ञानिक अर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन ने मिलकर 270.425 डिग्री सेल्सियस को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड तरंगों को खोज की, जो इस सिद्धांत को होने का पुख्ता सबूत देता है। जब हाइड्रोजन और हीलियम जैसे तत्व की खोज हुई तो इस सिद्धांत को होने का ये गवाह बने। तो फ्रेंड्स, बस आज के वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।